निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना वायरस के चलते बनी स्थितियों को देखते हुए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भूखा ना रहे, सरकार की यही कोशिश है। सरकार का फोकस उन दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की मदद करने पर है जिन पर लॉकडाउन का सीधा असर पड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को शुरू हुए दूसरा दिन है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जाएगा। हर व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न अलग से मुफ्त दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन गेहूं या चावल मिलेगा। इसके साथ ही हर घर को उनकी पसंद की 1 किलो दाल भी दी जाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अन्न और धन दोनों तरीके से सरकार गरीबों की मदद करेगी। वित्त मंत्री ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके लिए 50 लाख रुपए जीवन बीमा का ऐलान किया। इसके अलावा हर मनरेगा मजदूर के लिए दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपए तय कर दी गई है। खाते में 2000 रुपए अप्रैल के पहले हफ्ते में डाले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को 1000 रुपए ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसे 2 किश्तों में दिया जाएगा। इसका फायदा 3 करोड़ लोगों को होगा। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी जो 8 करोड़ गरीब महिलाएं हैं उनके लिए अगले 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। 20 करोड़ जनधन खाते जो महिलाओं के हैं उनके लिए 500-500 रुपए अगले 3 महीने तक देने का फैसला लिया गया। आशा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जमानत फ्री लोन जो 10 लाख रुपए होता था उसे 2 गुना बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वो संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या ऐसे संस्थान जहां 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनके लिए EPF का 12% जो कर्मचारी देता है और 12% जो एम्प्लॉयर देता है यह दोनों ही अगले 3 महीने तक सरकार द्वारा दिए जाएंगे। PF स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% जमा रकम या 3 महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते देश को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार लगातार 2 दिन से आर्थिक मोर्चे पर ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में पहले मंगलवार को वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए और कल कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के लोगों के लिए ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले यानी मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने GST से लेकर पैन आधार लिंकिंग और ग्राहकों के लिए ATM से कैश निकालने से लेकर बैंकों में मिनिमम बैलेंस निकालने से जुड़े नियमों में राहत दी थी।